अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश के टीचर मिस मरियम खालिद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 हमारे वोवल्स लेटर्स पर ही है, जो हमारे 6 to 10 से हैं। हम आज भी अपने वोवल लेटर्स के साथ ही अपने वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस में जो 6 to 10 वर्ड्स रह गए हैं, आज हम उनको अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुड सूटेबल वॉबल्स, आपके पास 6 नंबर पे वर्ड है ब्लैंक WL। आपके पास 6 पर वर्ड है ब्लैंक WL। ब्लैंक में ओ राइट करें, आउल बन जाएगा आपका वर्ड, आउल कंप्लीट हो जाएगा वॉवल लेटर ओ के साथ। ब्लैंक में ओ का लेटर राइट करें। द नेक्स्ट 7 पर आपके पास सामने है सी ब्लैंक पी। सी ब्लैंक पी, पी में आप ए को राइट करेंगे, वॉवल लेटर ए को राइट करने से आपका वर्ड बनेगा कैप। आप ब्लैंक में ए राइट कीजिए ताकि आपका वॉवल लेटर से आपकी ये ब्लैंक कंप्लीट हो और आपका वर्ड बनेगा कैप का। द नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ई एल ब्लैंक पी एच ए एन टी। ब्लैंक वॉवल लेटर ई राइट करने से एलिफेंट आपका वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। वॉवल लेटर ई को राइट करने से आपका वर्ड कंप्लीट होगा एलिफेंट। द 9th टी ब्लैंक बी एल ई, टी ब्लैंक बी एल ई, वॉवल लेटर ए राइट करने से टेबल वर्ड कंप्लीट होगा। वॉवल लेटर ए को राइट करें। द लास्ट वर्ड एस ब्लैंक एन, एस ब्लैंक एन, ब्लैंक में यू वॉवल लेटर राइट करने से सन बन जाएगा, सन सूरज, एस यू एन सन सूरज। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज वॉवल लेटर्स कंप्लीट हुए। होपफुली कि आपको आपके वर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे और आपने साथ साथ वो ब्लैंक्स फिल भी की होंगी। हमारे लिए लेक्चर को रिव्यू करें, आज के लेक्चर को रिलेटेड क्विज को सॉल्व करें। लेक्चर से रिलेटेड कोई बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम पेश आई है, कोई सवाल है, जरूर पूछें, हम आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर को एक दफा लेक्चर के बाद दोबारा रिपीट किया करें ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ सके और आपको दोबारा प्रॉब्लम पेश ना आए। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।